हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय टेक्नोलॉजी आईटी एक्सपर्ट चैनल एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो। दोस्तों, अक्सर हमें कई बार अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता नहीं रहता और हमें ये भी पता नहीं चलता कि हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में कौन से कैटेगरी का रैम लगा हुआ है, हार्ड डिस्क कौन सा है, हमारे रैम में कौन कौन से रैम की फैसिलिटी है जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को और ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी फीचर्स के बारे में एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और ये बिना सिस्टम या मदरबोर्ड को ओपन किए या बिना पीसी को ओपन किए, लैपटॉप को ओपन किए, आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई लैपटॉप को कहीं से फिजिकली ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना डेस्कटॉप को। तो चलिए, मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से आप कैसे अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक गूगल सर्च पे मैंने टाइप किया है स्पैकी। स्पैकी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं कि कौन सा रैम लगा है, कितने कितने कौन से कैटेगरी का लगा है, कितने GB लगा है और कौन कौन सा इसमें हार्डवेयर फीचर्स आपके इस सिस्टम में इनबिल्ट है। तो अभी हम इस पर स्पैकी डाउनलोड करते हैं और इसको हम इंटर करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट आ गया स्पैकी। इसको हम जाएंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप फर्स्ट ऑप्शन पे चले जाइए और जैसे ही ये ओपन होगा स्पैकी डाउनलोड, आपको सिर्फ फ्री वर्ज़न आपको डाउनलोड करना है, सिर्फ यहाँ से स्पैकी। और स्पैकी डाउनलोड करने के बाद आप इसे यहाँ पे दिखाई देगा कि ये डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड होगा तो आप इसे ओपन कर लीजिए। ऐसे मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो अभी मैं फिर से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम का एक एक पार्ट्स हम पता लगा सकते हैं कि हार्डवेयर में क्या क्या इनबिल्ट है इसमें हमारे सिस्टम में। मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये देखिए स्पैकी लॉन्च के लिए आ गया, इंस्टॉल हो गया कम्प्लीटली। अभी लॉन्च होगा, ये जो आ रहा है पॉपअप इसे आप कैंसिल कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके बारे में इंट्रोडक्शन है ये क्या है। अब हम देखते हैं कि हमारे स्पैकी यहाँ पे शो कर रहा है, ये आ गया है। ये हमारे सिस्टम के हार्डवेयर और इसके फीचर्स को एनालाइज कर रहा है। देखिए, इसमें शो कर रहा है कि मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज़ 8.1 है, 8.1 प्रो 64 बिट का। CPU है इंटेल पेंटियम 3825U 1.9 GHz। इसका टेम्परेचर भी शो करता है कि CPU का टेम्परेचर कितना है। रैम इसमें मेरा 4 GB लगा हुआ है, लैपटॉप है ये। और ये DDR3 रैम है और इसमें मदरबोर्ड देख सकते हैं, मदरबोर्ड का जो ये मॉडल नंबर शो कर रहा है, इसका भी टेम्परेचर यहाँ पर शो कर रहा है ये कितना डिग्री हॉट है। और इसमें ये देखिए ग्राफिक इसमें भी शो कर रहा है कि कौन कौन सा मेरा इसमें ग्राफिक इनबिल्ड है। इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन भी शो कर रहा है कितने स्क्रीन की मैं 60 Hz का इसमें मेरा जो स्क्रीन है। और स्टोरेज शो कर रहा है 500 GB। इसमें क्या होता है कि 500 टोटल शो नहीं करता, इसका कुछ परसेंटेज इस सिस्टम यूज़ कर लेता है। हिताची का लगा हुआ है 60 हार्ड डिस्क। और इसमें देखिए DVD ड्राइव भी लगा हुआ है मेरे पास, DVD राइटर और ऑडियो का हाई डेफिनेशन और इसमें चिपसेट लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक अगर दिखला देता हूँ, ये समरी था, इसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी समरी है कि कौन सा इसमें बिल्ड है, कौन सा वर्जन लगा हुआ है, ये पूरा टोटल इसका इंफॉर्मेशन है। इसमें CL नंबर, इसका जो पैक ये दे रखा है इसमें कौन सा बिल्ड है। और CPU देखिए, इसमें 2 कोर है, 4 थ्रेड है, पूरे के इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। और रैम देखिए, रैम 2 स्लॉट हैं जिसमें एक स्लॉट यूज़ हो रखा है, एक फ्री है। और मदरबोर्ड में देखिए इसका टेम्परेचर कितना है, कौन से कंपनी का मदरबोर्ड लगा हुआ है, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, ऑल सब शो कर रहा है इसमें। ग्राफिक का भी देख लेते हैं, ग्राफिक कौन सा है, कितना इन बिल्ड है, कितना मुझे मिला हुआ है, वो सब शो सारी चीज़ इसमें शो करेंगे इसमें। और अब स्टोरेज में देख सकते हैं कि इसमें ये शो कर रहा है कि मेरे पास स्टोरेज कौन सा है। और इसमें ऑडियो देखते हैं, ऑडियो में हाई डेफिनेशन शो कर रहा है। पेरिफेरल्स में देख सकते हैं कि इसमें कीबोर्ड एंड माउस जो इसका बिल्ड है वो शो कर रहा है। नेटवर्क में
इसमें लैन शो कर रहा है, वाईफाई शो कर रहा है, जो जो मेरे पास में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है मेरे लैपटॉप में वो सब शो कर रहा है इसमें। तो ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू हम इजीली हम हर चीज़ का पता लगा सकते हैं कि ये क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही। आशा है कि आप मेरे द्वारा जो दिखलाया गया होगा ये वीडियोस आपको पसंद आए, इसमें अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिले हों। आप भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कीजिए, जिससे आपके सिस्टम को जो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, या तो आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो आपको कितनी जीबी की रैम लेनी चाहिए, कौन सा रैम लेना चाहिए, TDR 1, 2, 3, 4 सब शो करता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।